हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर डबल लेयर कुर्ती। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो फैब्रिक्स लिए हुए हैं, प्लेन और प्रिंटेड। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2.5 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 3 मीटर्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को फोर फोल्ड किया हुआ है। शोल्डर में लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस का। आर्म होल भी मैं लूंगी 7 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ करूंगी। अब यहाँ पे आएगा मेरा चेस्ट पार्ट, तो चेस्ट पार्ट में ले रही हूँ 11 इंचेस का। आपका जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 2 इंचेस ऐड कर दीजिए सिंगल आर्म्स के लिए। अब ऊपर से कमर की लेंथ है मेरी 15 इंचेस, तो वहाँ पर मैं एक मार्क करूँगी। अब यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 10 इंचेस। ऊपर से हिप्स की लेंथ है मेरी 20 इंचेस। अब यहाँ पे आएगी हमारी हिप्स की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 12 इंचेस। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर से लेंथ में ले रही हूँ 52 इंचेस। 2 इंचेस सिंगल आर्म्स को मिलाते हुए मैंने लेंथ ली हुई है। अब इस पॉइंट को हम हमारी लेंथ तक क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे। तो जहाँ तक हमारी लेंथ है वहाँ तक हम इसे क्रॉस में एक्सटेंड कर देंगे। अब आर्म होल हमने लिया था 7 इंचेस का, उसका हाफ होता है 3.5, तो वहाँ पर मैं एक मार्क करूँगी। अब यहाँ से मेरा आर्म होल का कर्व शुरू होगा, तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ 3.5 इंचेस और लेंथ में ले रही हूँ 3 इंचेस। अब दोनों को मिलाते हुए मैं राउंड शेप बनाऊंगी। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट करना है। ये हमने कट कर लिया है। अब अंदर से मैं बैक पार्ट को निकाल दूंगी और इसे मैंने वापस 2 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे 4 इंचेस डाउन पे मैं एक मार्क करूंगी, तो यहाँ तक हम कट लगाएंगे। ये होगा हमारा फ्रंट का पार्ट। तो ये मैंने कट लगा दिया है फ्रंट पार्ट में। अब हम ऊपर की लेयर कट करेंगे, तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट कट करूंगी। तो ये जो हमारा बैक पार्ट हमने कट किया था उसे हम इस तरह से फोल्डेड एरिया मिलाते हुए रखेंगे और हम सेम वही शेप में इसे कट कर लेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, सेम वही शेप में इसे कट कर लेना है। ये होगा हमारा बैक का पार्ट। तो ये हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है और ये हमारी ओपन साइड है। तो ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे वापस हम रखेंगे 2 फोल्ड में। इस बार हम जो हमारी ओपन साइड है उस तरफ से हम रखेंगे 2 फोल्ड करते हुए और बस सेम वही शेप में हम इसे भी कट कर लेंगे। तो ये हमने फ्रंट का पार्ट भी कट कर लिया है मेन फैब्रिक में। अब यहाँ पे हम 6 इंचेस डाउन पे मैं एक मार्क करूंगी और यहाँ से मैं 2 इंचेस पे मार्क करूंगी। अब इन दोनों को मिलाते हुए मैं राउंड शेप बनाऊंगी। यहाँ पे आप कोई भी शेप बना सकते हैं अपनी पसंद से। ये मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे कट करूंगी। तो ये हमने कट कर लिया है।
ये देखिए हमने ओपन कर दिया है इसे, तो इस तरह से हमें दो पीसेस फ्रंट के लिए मिल गए हैं। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक को फोर फोल्ड किया हुआ है अप्रॉक्स 9 इंचेस जितना। अब यहाँ पे जो हमारे ओपन साइड है वहाँ पे 3 इंचेस डाउन पे मैं मार्क करके यहाँ से मैं स्लीव्स का शेप बनाऊंगी। स्लीव्स की लेंथ में ले रही हूँ यहाँ पे 20 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारी ब्रॉडनेस 6 इंचेस। तो ये हो गई हमारी लेंथ। अब यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए मैं स्लीव्स का शेप दूंगी इस तरह से। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है, इसे हमें कट कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर मैंने ये नेक के शेप का फैब्रिक कट कर लिया है और ये जो हमारी रो एजेस है उसे मैंने फोल्ड कर लिया है। और ये मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर इसे मैं उल्टा रखूंगी और दोनों को मिलाना है अच्छे से। और मैंने यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये जो हमने एक स्ट्रिंग ली हुई है उसे मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे मैं लूप बनाऊंगी, तो इसे 2 फोल्ड करके हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसे रख के सिलाई लगा देंगे। तो हमारा लूप बन जाएगा। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब मैं यहाँ पे नॉचेस लगाऊंगी। नॉचेस लगाने के बाद मैं इसे बैक साइड पे टर्न कर दूंगी। तो इस तरह से ये हमारा लुक बाहर आ जाएगा। तो ये हमने बैक साइड पे टर्न कर दिया है। तो यहाँ पे मैं प्रेस लगा दूंगी। तो ये देखिए हमने प्रेस लगा दी है। अब मैं ये जो हमारा राउंड शेप है उसे बनाएंगे। तो मैंने फिर से राउंड शेप में स्ट्रिप को कट कर लिया है, इसे मैं उल्टा रखूंगी। ये मेरी राइट साइड है, उसके ऊपर स्ट्रिप को उल्टा रखना है। और यहाँ पे दोनों को मिलाते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। ये हमने सिलाई को लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं नॉचेस लगाऊंगी। नॉचेस लगाने के बाद हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और इसे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करेंगे। और सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम इसे भी रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करेंगे। ये हमने रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे भी रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करेंगे। तो इसे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करना है दोनों तरफ। तो ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम लूप के निशान करेंगे। तो 1 इंच के डिस्टेंस पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। इस तरह से मैं 7 इंचेस तक मार्क करूंगी। इसी तरह से दोनों तरफ हमें मार्किंग करनी है। ये मैंने मार्किंग कर दी है और ये मैंने स्ट्रिंग ली हुई है, इसे मैं फोल्ड करूंगी और मैं यहाँ पे इसे रख के सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी
स्ट्रिंग को फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से मैं सभी लूप्स को यहाँ पे लगा दूंगी। ये मैंने तैयार कर लिया है और मैंने ये जो हमारा बेस फैब्रिक है उसके ऊपर हमने राइट साइड पे प्लेस कर दिया हुआ है और दोनों को मिलाते हुए हम शोल्डर पे सिलाई लगा, हमारा जो आर्म होल है वहाँ पर सिलाई लगा के हम ज्वाइन कर लेंगे इसे दोनों को साथ में। और ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसे मैंने रॉन्ग साइड पे प्लेस किया हुआ है और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे भी मैं रॉन्ग साइड पे प्लेस करूंगी। और ये हमारा नेक पार्ट है उसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है, अब मैं यहाँ पे नॉचेस लगाऊंगी। नॉचेस लगाने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो ये मैंने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अभी मेरा राइट पार्ट है, अब हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को मैं उल्टा रखूंगी और यहाँ पे दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। यहाँ पे भी मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है, अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर स्लीव्स को मैं उल्टा रखूंगी और यहाँ पे दोनों को मिलाते हुए हम दोनों तरफ से इसे ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव्स को भी ज्वाइन करूंगी। ये मैंने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है, अब हम स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो इसे मैं रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करूंगी और सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से दोनों स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करनी है। बॉर्डर फोल्ड करने के बाद मैंने इसे रॉन्ग साइड पे प्लेस किया हुआ है। यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट पार्ट 19 इंचेस का। आपका जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ कर दीजिए, आप चाहे तो 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड कर सकते हैं। ऊपर से कमर की लेंथ है मेरी 15 इंचेस और यहाँ पर आएगी हमारी कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 15 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगी। स्लीव्स की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ 4.5 इंच। अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे। इसी तरह से दूसरे स्लीव्स की भी फिटिंग करेंगे और ये जो हमारा यहाँ तक है हमें फिटिंग करनी है। उसके बाद हम नीचे की फिटिंग, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उन दोनों को मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे और ये जो हमारा प्लेन फैब्रिक है उन दोनों को मिलाते हुए हम नीचे तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ से भी फिटिंग करूँगी। तो दोनों तरफ मैं अलग अलग से फिटिंग करूँगी। ये देखिए हमने फिटिंग कर दी है, अब हम नीचे की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो इसे मैं रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी और इसे भी मैं रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करूंगी और सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग को पास करेंगे। तो सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसे पास करूंगी। इस तरह से मैं क्रॉस में इसे पास करूंगी, अल्टरनेट यहाँ पे लूप है, इस तरह से क्रॉस में हमें पास करना है। अब ये दूसरी तरफ से भी मैं इसे पास करूंगी। तो ये देखिए हमने स्ट्रिंग को पास कर लिया है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से फिटिंग रख सकते हैं।
अब यहाँ पे हम इसे टाई करेंगे। और ये जो हमारा एंड है यहाँ पे हम कोई भी अपनी पसंद से लटकन लगा सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी, तो यहाँ पे हम थ्रेड और निरर से इसे फिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारी कुर्ती बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइज, तैयार है हमारी डिज़ाइनर डबल लेयर कुर्ती एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। गाइज, अगर आपको हमारी ये डिज़ाइन पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।